पारदर्शिता के तौर पे हम मंत्री हैं, हम अपने विभाग में और योगी जी की सरकार में अपने परिवार को हम नौकरी नहीं दिला सकते। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी का मेधावी बच्चा होगा, पढ़ने वाला होगा, तो वह नौकरी उसको मिलेगी, बिना एक पैसा दिए मिलेगी, पारदर्शिता के तौर पे मिलेगी और रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं और हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा। मंत्री जी, लगातार बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर के और विपक्ष का आरोप है कि आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है, थाली सब्जी गायब हो रही है, थाली सब्जी गायब हो रही है, क्या कहेंगे? विपक्ष के पास आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आज मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है ला रहे हैं? नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 68 साल के अंदर मात्र 81 मिनी स्टेडियम थे और जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई, जब से देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी, तब से इस उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया खेलों के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत अभी तक 44 स्टेडियम का काम, मिनी स्टेडियम का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जितने भी इस तरीके के दृढ़ स्थिति में स्टेडियम बने हुए थे उनको सबका प्रस्ताव मंगा लिया गया है और उनको भी सुदृढ़ करने का काम माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जिस दिन आए थे उसी दिन वो कह के गए, उनका भी सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा। और इसलिए अभी आपने सुना यहाँ के DDO साहब ने और CDO साहब ने बताया एक उज्जैन, ये उरई जैसे जनपद में 176 ग्रामीण क्षेत्र में खेल के मैदान बनाने की योजना चल रही है और ऐसे अभी तक 4.5 साल के अंदर कन्वर्जेंस मनी के तहत मनरेगा और ग्राम पंचायत खेल विभाग के सौजन्य से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 से ऊपर खेल के मैदान बनके तैयार हो चुके हैं। आपकी राह देख रहा है एकलव्य यूनिवर्सिटी में, चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, PhD आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाओ ना भूलें। संगे फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को। आपकी राह देख रहा है एकलव्य यूनिवर्सिटी में, चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, PhD आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाओ ना भूलें। संगे फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।